अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और वो ये कि आर्टिकल 8 जो है उसके ऊपर जब बहस करते हैं तो अब उमर अता बंदियाल साहब के लिए ज़रूरी ये है कि वो इस बात को समझें कि क्या 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़्यादा ज़रूरी है या जमहूरियत की रूह को ज़िंदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत की रूह को ज़िंदा करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मेरा और आपका वोट और हर पाकिस्तानी का वोट बराबर होना चाहिए और हम पाकिस्तान में एक बेहतरीन लीडर को सिलेक्ट करें। उसके लिए मैं एक चीज़ निशानदेही करता चलूँगा, जो माजी में होता रहा ना उसके उमर अता बंदियाल साहब जिम्मेदार हैं ना आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मलिक जिम्मेदार हैं, लेकिन अब जो हम निशानदेही कर रहे हैं जिन चीज़ों की, उसके हवाले से ज़ाहिर है ये दोनों हजरात जिम्मेदार होंगे। सबसे पहली बात, उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर ये लाजिम है कि वो जमहूरियत की रूह को जिंदा करें और करारदे मकासद में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से आइन का ऑडिट करें और जहाँ जहाँ किसी को भी किसी पे बर्तरी दी गई है उसे ख़त्म किया जाए, हर इदारा अपनी जिम्मेदारी से चले। जैसे कि पहले हो चुका है कि अगर पार्लियामेंट जो है या मुकन्नना जो है वो ऐसा कानून बना दे जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, जैसे कुछ अरसे पहले आपने असम्बली में पास करा दिया था कानून के 18 साल से पहले कोई अपना मज़हब नहीं बदल सकता, तो वो अदालत ने मना कर दिया कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। बस यही तरीक़ाकार सही था और यही सही है और उमर अता बंदियाल साहब यही कर रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ अभी उनके जो जो फैसले आ रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि देखिए आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपका काम सियासतदानों के जराइम को छुपाना नहीं है। वो हम एक मोमिन की हैसियत से हम ज़रूर कहते हैं कि भाई पर्दापोशी करनी चाहिए, लेकिन पर्दापोशी अगर ऐसे जराइम हो जो जो के कौम के ख़िलाफ़ हों, देखिए अगर जराइम और ऐसे गलीज जुल्म जो हमारे सियासतदान हमारी कौम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं आइन साजी के नाम पे, वो ऐसा ही जुर्म है जैसे नमरूद और शद्दाद और जितने भी फिरौन गुजरे हैं वो किया करते थे और उनको अल्लाह ताला ने लानत उनके ऊपर की है कुरान के अंदर। तो बुरे जो जालिम है, जालिम के जुल्म को आशकारा करना जो है वो पर्दापोशी में नहीं आता। तो हमारी ISI की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की यह जिम्मेदारी है कि हमारे तमाम सियासतदानों की और तमाम लोगों की जो भी जिनके ऊपर जो सरकारी नौकर हैं उनकी गलत कारियाँ और उनकी चोरियाँ जाहिर करें, ताकि कौम को ये पता हो कि ऐसे चोरों को हम अपने सरों पर नहीं बिठा सकते, उनको वोट नहीं देंगे। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आर्टिकल 62 और 63 है उसके ऊपर पूरी पाबंदी होनी चाहिए, कोई भी शख्स जो है वो ना अबव द लॉ है और आपको बेहतरीन लोग मिल जाएंगे, ईमानदार लोग। आर्टिकल 50 जब चेंज होता है कि वो उसमें सदारती निज़ाम हो, तो आर्टिकल 50A ये होना चाहिए कि किसी भी हुकूमत को इस बात की इजाज़त होगी कि वो पहले हफ्ते में और पहले 3 महीने में अपनी परफॉर्मेंस अपनी पॉलिसीज़ को नाफिज़ करे, और अगर पहले 3 महीने के अंदर रुपये को मजबूत नहीं कर पाते यानी खुशहाली नहीं होती या उनकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होती कि जिससे मुल्क के माशी हालात बेहतर हों, तो उनको एक मज़ीद 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अगर उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर 6 महीने भी में भी कोई हुकूमत ऐसी माशी पॉलिसीज़ नहीं दे सकती जिससे खुशहाली आए तो ये उनकी सलाहियत ही नहीं है। तो जिस तरह आप अपने घर में किसी ऐसे नौकर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आपका सिर्फ नुकसान कर रहा हो, तो हम सरकारी नौकर को इस बात की कैसे इजाज़त दे दें कि वो हुकूमत में कायम रहे जबकि वो हमारा नुकसान कर रहा हो। तो इस शऊर को लेके चलिए कि सरकारी नौकरों का काम ये है और किसी भी नौकर का काम ये है कि वो अपने मालिक से वफादार रहे, नंबर एक, नंबर दो अपने पूरी सलाहियत के साथ वो बेहतरीन तरीके से उसकी खिदमत करें, तभी उसकी तनख्वाह हलाल होती है। तो वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनमें जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिसमें सिविल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिसमें मिलिट्री पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम जो सरकारी नौकर हैं इन पे ये वाजिब है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ पाकिस्तानी कौम के साथ वफादारी करें और बेहतरीन सलाहियत दें ताकि पाकिस्तान खुशहाल रहे। मैं इस सिलसिले में आर्मी चीफ साहब को लेटर लिख रहा हूँ और उमर अता बंदियाल साहब को लिख रहा हूँ और पाकिस्तानी कौम को लिख रहा हूँ
کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کے ساتھ مزید اس قسم کے تماشے نہ کریں۔ پارلیمانی نظام کا تماشا ہم پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ بنا ہے، جب سے پارلیمانی نظام آیا پاکستان کی کا روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، تو اسی تجربے کو جس میں صرف نقصان ہے اسے دوبارہ مزید ہمارے پر مسلم مت کیجیے اور پاکستانی قوم پہ رحم کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا لیڈر دے دے جو محمد علی جناح جیسا ہو اور جو بالکل بے لوس ہو، ایماندار ہو اور باسطہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی اسلام کا انسانیت پر پاکستان کا دشمن ہے، اللہ اس کی نشاندہی فرمائے اور اس کو اس کے رفق کو استعمال کرے۔ ہم یہ کیا بتا دیں۔ میرا نام ڈاکٹر صادق علی ہے، آپ دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔